यातायात महा चल रहा है, इन इच्छाओं की वजह से काफी मार्केट में भीड़ रहती है, उसको लेकर क्या सर रणनीति बनाई गई है और किस प्रकार की कार्रवाई होगी? ई रिक्शा के संबंध में जैसा कि शहर में जाम की समस्या रहती है और हम लोगों ने पूर्व में भी एक अनाउंसमेंट जो है कराया था कि जो ई रिक्शा बिके हुए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और ऐसे ही बिना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत संचालित हो रहे हैं, वे अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लें और वैध प्रपत्रों के साथ संचालित करें। किंतु समय देने के उपरांत भी जिन ई रिक्शा चालकों ने अपने ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ऐसे ई रिक्शा को जो है कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पीलीभीत के कोतवाली जो है थाने में 26 ई रिक्शा को जो है सीज किया गया है। लाइसेंस को लेकर सर किस प्रकार की कार्रवाई है? इनके पास कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, लाइसेंस किसी भी वाहन को चलाने के लिए जो है लाइसेंस की अनिवार्यता है और यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वह उस वाहन को नहीं चला सकता। यदि ई रिक्शा वाहन के पास किसी कोई वैध लाइसेंस है तभी वह चला सकता है, चाहे वह LMB का है तब भी चला सकता है या ई रिक्शा का स्पेशल लाइसेंस बनवा के चला सकता है। कोई भी नाबालिग ई रिक्शा चलाने के लिए जो है अधिकृत नहीं है। हम लोग सर टमटम वाले हैं, ये टमटम हम चला रहे हैं सर, पुलिस वाले जो है पकड़ रहे हैं हम लोगों को और गाड़ी को उन्होंने आदेश दे दिया कि काटी जाएंगी जो बिना नंबर वाली गाड़ी है। हम ये चाहते हैं सर इसका कोई ना कोई सलूशन निकले। अब पहले जो प्रदर्शन रही थी एकदम कैसे हो गई? एकदम कैसे हो गई सही बात क्यों है। पकड़े जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है सर क्योंकि काफी ट्रैफिक हो गया इसके वजह से, गांव के आदमी भी सब शहर में आ गए हैं, शहर का टुक टुक इतना है ही नहीं। कितना गाँव का है समझ रहे हैं आप? जितना गाँव का है। तो आप लोग शहर से हम शहर से हैं सर, सब शहर से हैं ये। तो हम ये चाहते हैं सर जो शहर गाँव वाले हैं गाँव की सीमा तक चलाएं और शहर वाले शहर की सीमा तक चलाएं, इससे क्या है पब्लिक भी कम हो जाएगी, ट्रैफिक भी कम होगा। तो कौन से पकड़े जा रहे हैं? ये सर अभी तो सभी पकड़ रहे हैं, चाइना वाले भी हैं और नंबर वाले भी हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं सर, मैं चाहते हैं इतने मतलब रजिस्ट्रेशन में इतना खर्चा आ रहा है कि गरीब आदमी अपना जो भी जोड़ा बटोला भी अगर खर्च करके सब लगा दे जब भी पूरा नहीं कर सकता। खर्चा बता रहे हैं तो उसमें आदमी कहाँ से करा लेगा? 40-42 हजार रुपए खर्चा बता रहे हैं सर, बताइए कैसे करेगा? और आज का दौर ये है कमाई में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं देखिए, ये गाड़ी जो है बिना नंबर वाली नगर पालिका में दे दी जाए, जो पर्ची कटे जो रसीद कटे हम देने के लिए तैयार हैं। नगर पालिका में चली जाए, साल की होनी चाहिए, साल की 100 रुपए महीना 150 रुपए महीना का हो जाएगा तो वो कर सकते।